शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए बेर की उन्नत खेती लाभकारी सिद्ध हो रही है। बेर का पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ जलवायु अत्यधिक गर्म है, वर्षा कम होती है व भूमि अनुपजाऊ है आसानी से पनप सकते हैं। भारत वर्ष में 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बेर की बागवानी की जाती है। बेर एक स्वादिष्ट पौष्टिक एवं गुणकारी फल है। इसमें 3 से 14% तक कार्बोहाइड्रेट, 1 से 2% प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस, लोहा व विटामिन सी भी प्राप्त होता है। बेर गरीब का फल है व बागान बहुत ही कम लागत में लगाए जा सकते हैं। किसान भाई बेर की पत्तियों जिसे पाला कहते हैं को गाय, बकरी, भेड़ व अन्य जानवरों के लिए चारे के रूप में काम में लेते हैं। इसकी टहनियां बाड़ लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तथा लकड़ी खेत के काम आने वाले छोटे छोटे औजार व घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने के काम में ली जाती हैं। राजस्थान में बेर की 2 प्रजातियां झड़बेरी जिसे वैज्ञानिक भाषा में जीजुफस नूमिलेरिया एवं बोरड़ी या बड़बेरी जिसे वैज्ञानिक भाषा में जीजुफस रोटुंडी फोलिया कहते हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। झड़बेरी एवं बोरड़ी की पौध पर उन्नत किस्म के बेर की आंख या कली चढ़ाकर उन्नत किस्म के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इन पेड़ों से बड़े आकार के स्वादिष्ट फल प्राप्त कर किसान अपनी आय बढ़ा सकता है। बेर की सेब, गोला, मुंडिया, उमरान प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिन्हें देशी बेर पर कली या आंख चढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। सेब किस्म का फल गोल, सेब के आकार का व छिलका पतला होता है। इस किस्म के फल दिसंबर जनवरी माह में पककर तैयार हो जाते हैं। सेब किस्म को सिंचित एवं असिंचित दोनों अवस्थाओं में लगाया जा सकता है। इस किस्म से प्रति पेड़ 80 किलोग्राम तक फल प्राप्त हो सकते हैं। गोला किस्म का फल गोल व चमकदार होता है व स्वाद खट्टा मीठा होता है। गोला किस्म को ज्यादा समय सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ये किस्म भी दिसंबर जनवरी माह में पक जाती है। गोला बेर प्रति पेड़ से 100 से 150 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। बेर की मुंडिया किस्म के फल जनवरी फरवरी माह में पकते हैं। इसके फल अंडाकार, पतले छिलके वाला व स्वाद में मीठा होता है। ये किस्म सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। मुंडिया किस्म के प्रति पेड़ से 125 किलोग्राम तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। उमरान किस्म के फल लंबे व बड़े आकार के होते हैं। छिलका मोटा व सख्त होता है। फल फरवरी से अप्रैल माह तक पकते हैं। उमरान किस्म के फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है व प्रति पेड़ 200 किलोग्राम तक फल प्राप्त कर सकते हैं।
इन किस्मों के अलावा भी कई उन्नत किस्में हैं, जैसे कैथली, बनारसी, कड़का, चौंचल, इलायची आदि, जिन्हें जलवायु की उपयुक्तता के अनुसार लगाया जा सकता है। बेर के पेड़ों पर उन्नत किस्म के बेर की आंखें चढ़ाकर अधिक फलदायी और अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। बेर में आंख पुराने देसी पेड़ों पर खेत में या नव विकसित पौधे में पौधशाला अथवा नर्सरी में भी चढ़ा सकते हैं। बेर के पेड़ों पर आंख चढ़ाने के लिए मार्च अप्रैल में चयनित पेड़ों के मुख्य तने को आरी से 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई से काट देना चाहिए। कटाई के तुरंत बाद कटे हुए भाग पर बोरडो पेस्ट का लेप करना चाहिए। बोरडो पेस्ट 1 किलोग्राम बुझा चूना, 1 किलोग्राम नीला थोथा व 10 लीटर पानी से बनाया जा सकता है। अप्रैल मई माह में देसी बेर के कटे हुए हिस्से के बिल्कुल नीचे से कलमों का फुटान चालू होने पर केवल 3 या 4 फुटान जो आपस में बराबर दूरी पर हों व ऊंचाई में सीधी चल रही हों, उन्हें छोड़कर दूसरी समस्त फुटानों को हटा देना चाहिए। जून जुलाई माह में जब देसी पेड़ों पर छोड़ी हुई फुटान भूरे हरे रंग में बदल जाएं, समान मोटाई की आंखें लेकर उस समय चढ़ाने चाहिए। आंखें चढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका टी बडिंग या पैच बडिंग है। बडिंग हेतु चयनित आंख स्वस्थ एवं उभरी हुई होनी चाहिए, वह क्षतिग्रस्त न हो। आंख को चाकू की सहायता से शाखा से अलग करें। जहां टी के आकार का चीरा लगा हो उसे चाकू की सहायता से इस तरह खोलें जिससे आंख तने व छाल के बीच में अच्छी तरह फिट हो जाए। आंख को अच्छी तरह लगाने के बाद प्लास्टिक की पट्टी की सहायता से आंख को बचाते हुए उसके ऊपर व नीचे से कस कर बांध दें, जिससे आंख व तने के बीच जगह नहीं रहे। आंखें चढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका टी बडिंग या पैच बडिंग है। आंखें चढ़ाने के 10-15 दिन बाद आंखों में फूटान चालू हो जाती है। आंख के निचले व ऊपर वाले देसी तने में जो भी फूटान चालू हो उसको समय समय पर हटाते रहना आवश्यक है। नर्सरी अथवा पौधशाला में आंख चढ़ाकर उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के लिए मार्च अप्रैल में ताजा पके हुए बोरड़ी के फलों को गुदा हटाकर, गुठली को तोड़कर, पॉलिथीन की थैलियों में अच्छी मिट्टी, खाद, चिकनी मिट्टी का मिश्रण भरकर, बीज की बुवाई कर आवश्यकता अनुसार दिन में 2-3 बार झारे से पानी देते रहना चाहिए। आमतौर पर 10 दिनों में बीज से पौधा निकल आता है। जून जुलाई में पौधों की मोटाई पेंसिल के आकार की होने पर उन पर आंख चढ़ाई जा सकती है। तने पर 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर टी बडिंग तरीके से आंख चढ़ानी चाहिए। जुलाई अगस्त में जब आंख चढ़े पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए तब उसे स्थायी रूप से खेत में लगा देना चाहिए। बेर का बाग लगाने से पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लेना आवश्यक है। जुलाई अगस्त एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर फरवरी मार्च का महीना बेर के पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। पौधे 6 से 8 मीटर की दूरी पर कतारों में लगाए जाते हैं। पेड़ लगाने के लिए 2 फीट लंबे,
दो फीट चौड़े व दो फीट गहरे गड्ढे खोदकर वर्षा से पूर्व ही उनमें एक से दो टोकरी सड़ी हुई गोबर या मिंगनी की खाद तथा दीमक से बचाव के लिए 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर या 20 मिलीलीटर क्लोरोपारिफॉस दवा मिलाकर गड्ढे को वापस भर। तैयार गड्ढे में पेड़ लगाने के बाद पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी को पैर से दबा दें और झारे से पानी दें। बेर के बगीचे को गर्म तथा सर्द हवाओं से बचाने के लिए उत्तर एवं पश्चिमी दिशा में वायुरोधक पेड़ लगाने चाहिए। नीम, लहसुआ, शहतूत, जंगल जलेबी आदि पेड़ वायुरोधक के रूप में लगाए जा सकते हैं। पेड़ का बगीचा लगाते समय साथ ही साथ हमें वायुरोधक पौधे लगाना बहुत अधिक आवश्यक है। वायुरोधक पौधे खेत के चारों तरफ लगाने चाहिए तथा कम से कम दो कतार वायुरोधक पौधों की होनी चाहिए। उन्नत किस्म की आंखें चढ़ी बेर के पौधों को 2-3 साल तक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्म के पेड़ साधारण तैयार जमीन के साथ फैलकर झाड़ी नुमा हो जाते हैं, अतः पहले 2-3 वर्षों तक मुख्य तने को मजबूत बनाने के लिए कटाई छटाई करना आवश्यक है। कटाई छटाई में प्रथम वर्ष 60 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक स्वस्थ व मजबूत शाखा जो सीधी बढ़ रही हो को छोड़कर शेष सभी शाखाओं को हटा देना चाहिए। ये कटाई मई माह में करें। दूसरे व तीसरे वर्ष भी अप्रैल मई में इसी प्रकार पेड़ की कटाई छटाई करें, इससे पेड़ सीधा बढ़ेगा। फल उतरने के बाद पत्तियां सूखनी और झड़नी शुरू हो जाती हैं। बेर के पेड़ पर फल उसी वर्ष की नई शाखाओं पर ही लगते हैं, इसलिए पुराने पेड़ों की भी हर वर्ष मई माह में जब पेड़ सुषमावस्था में हो कटाई छटाई करना आवश्यक है। कटाई छटाई में कमजोर, बीमारी युक्त एवं फटी हुई टहनियों के साथ आपस में क्रॉस कर रही टहनियों की हल्की छटाई करने से नई फुटान अधिक निकलती है। अच्छी पैदावार मिलती है।
बेर के पेड़ों को प्रायः ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 5 साल बाद जब पौधे फल देने लगे, असिंचित बागानों में प्रति पेड़ 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ आधा किलोग्राम डीएपी व 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। सिंचित बागानों में प्रति पेड़ 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ साथ 2 किलोग्राम डीएपी व 800 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जून जुलाई माह में कटाई छटाई के बाद देना चाहिए। बेर के पेड़ की जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, अतः पौधा स्थापित होने के बाद पेड़ को कम पानी की आवश्यकता होती है। छोटे पौधों को 15 दिन के अंतर पर सींचना चाहिए। इसके अलावा छोटे पौधों को लू तथा गर्मी से बचाने के लिए खाद से ढक कर रखा जाता है, इससे पौधों की नमी बनी रहती है। बागान में बड़े पौधों को साल में 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई जून में कटाई के बाद, दूसरी सिंचाई नवंबर में फल लग जाने के बाद तथा तीसरी व चौथी सिंचाई जनवरी में करनी चाहिए। सितंबर से नवंबर तक जब पौधों में फूल लगते हैं, सिंचाई नहीं करें। असिंचित क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए पौधों के चारों तरफ ढलान रखें, जिससे बरसात का पानी पेड़ के आसपास इकट्ठा हो और फल उत्पादन प्राप्त हो सके। बेर का बगीचा लगाने के 3-4 साल तक पेड़ों की बढ़वार पूरी नहीं होने से कतारों के बीच काफी भूमि खाली रहती है व फलों की उपज भी कम होती है। इस अवधि में पौधों की कतारों के बीच मूंग, मोठ, ग्वार, ग्वारपाठा आदि फसलें उगा सकते हैं। इससे भूमि में कटाव भी कम होता है तथा भूमि की उर्वरता में सुधार होता है। इससे किसान को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। पेड़ों के पूर्ण रूप ले लेने पर अंतः फसलें लेना बंद कर देना चाहिए। बेर के फलों में लगने वाला एक प्रमुख कीट है फल मक्खी। फल मक्खी के लगने से फल काढ़ा हो जाता है और फल का कोई बाजार मूल्य नहीं रहता। फल मक्खी बेर के फूल आने के पश्चात फलों में अंडे दे देती है तथा फल पकने के साथ साथ उसका प्रकोप पूरी तरह से फलों में हो जाता है। फल मक्खी से बचाव के लिए जब पेड़ों में अधिकांश फूल आ जाएं और फल बनना शुरू हो जाएं, 0.03% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके 10-15 दिन बाद 0.05% फेनाथियान का छिड़काव करें और फेनाथियान छिड़काव के 10-15 दिन बाद 0.1% कार्बरिल का छिड़काव करें। किसान भाई ध्यान रखें कि कीटनाशक दवा की छिड़काव करने के 10 दिन बाद तक फल न तोड़ें। बेर पेड़ में विभिन्न प्रकार की बीमारियां अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, फल सड़न, पत्ती सड़न, तना सड़न आदि। बेर बाग को इन बीमारियों से बचाने के लिए हमें वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल करना चाहिए। बेर फसल में प्रमुख रोग लगते हैं, उनमें बेर पाउडरी मिल्ड्यू मुख्य है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण पत्तियों व फल दोनों पर आते हैं। पत्तियों व फल पर सफेद पाउडर फैल जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां गिर जाती हैं। फलों पर भी सफेद पाउडर पूरे फल के सतह पर गिर जाता है, जिससे फल पकने से पहले ही झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन व गुणवत्ता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान में हमने ये पाया कि कैराथिन इसी नाम की दवा 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 3 छिड़काव करें। पहला छिड़काव अक्टूबर माह में करें, दूसरा व तीसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल से करें तो इस बीमारी की रोकथाम हो जाती है। इस छिड़काव से पत्तियां तथा फल स्वस्थ रहते हैं। बेर के पेड़ में बार्क ईटिंग कटरपिलर भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रकोप से तना व टहनियां सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए न्यूवान दवा 1 ml प्रति लीटर पानी के
पानी के हिसाब से घोल बनाकर 3 छिड़काव 1 महीने के अंतराल से करना चाहिए। पहला छिड़काव जो ही मानसून शुरू हो उस वक्त करना चाहिए। बेर के तने में दीमक से बचाव के लिए बेर पेड़ के निचले तने में चूने का घोल और क्लोरोपाइरीफॉस या डोरमेट 3 से 4 बूंद प्रति पौधा 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। अपन ये देख रहे हैं कि बेर के बगीचे में जो पत्तियां हैं, पत्ती के ऊपर सूखी पत्तियां दिख रही है जो आगे की तरफ से सूखना शुरू होती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देती है, और इससे क्या होता है कि पत्तियां फिर सारी गिरने शुरू हो जाती है और पौधे के जो फल लगते हैं उसके उपज पे भी इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उपज कम होती है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्यतः व्यवस्थित दवाई 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। बेर के पके फलों में बुलबुल, तोते व मैना काफी नुकसान करते हैं। इनसे बचाव के लिए बागान पर प्लास्टिक की जाली लगा सकते हैं। इसके साथ लोहे के खाली डिब्बों में कंकर डालकर बजाते रहें। जब फल हरे से पीले होने लगे उस समय बेर के फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। फल तोड़ने के लिए लकड़ी के डंडे पर एक लोहे के तार का हुक लगा सकते हैं जिससे फलों को आसानी से तोड़ सकते हैं। टूटे हुए फलों को एक जगह एकत्रित कर लें। उसके बाद छोटे, सड़े गले, कटे फटे व अच्छे पके हुए फलों को अलग अलग छांट कर बाजार में बेचने के लिए ले जाएं। मैंने ये सेब और केले के 190 पेड़ लगा रखे हैं, जिसमें ये फल मुझे प्राप्त हो रहे हैं और ये बीकानेर मंडी, डूंगरगढ़ मंडी, नागौर मंडी में 16-17 रुपये थोक के भाव से बिकने के लिए जाते हैं। इससे मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। ज्यादा उपज को बोरियों में भरकर मंडी में बेचा जाता है, जहां बोली लगाने के बाद इसे आढ़ती दूर शहरों की मंडियों में भेज देते हैं। बेर के फलों अन्य उत्पाद जैसे शुष्क फल, बेर कैंडी, शरबत, अचार आदि बना सकते हैं। बेर का शरबत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए 1 किलो बेर और 1 किलो चीनी, इसको कांच के वर्तमान में भर के जो है वो रख दें। पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड वो 750 मिलीग्राम और इसके साथ ही सोडियम बेंजोएट वो भी 750 मिलीग्राम, ये दोनों प्रिजर्वेटिव जो है वो इस वर्तमान में डालकर छाया में रखा जाता है। 21 दिन के बाद या मलमल का कपड़ा या छलनी लेके हम जो है वो बेर अलग कर लेंगे और जो शरबत तैयार है उसको बोतल में भर के जो है वो रख सकते हैं, और 1 किलो बेर से कम 1.5 किलो बेर का शरबत जो है वो तैयार हो जाता है। बेर एक ऐसा पेड़ है जो चारा तो देता ही देता है, इसके साथ फल देता है और लकड़ी भी देता है। पानी की बहुत कम मात्रा इसको जरूरत पड़ती है कि बहुत अच्छा अगर पानी देते हैं तो हम देखते हैं कि कई 150-200 किलोग्राम प्रति पेड़ की उपज हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है कि ज़्यादा पानी से नुकसान होता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाना चाहिए। और किसानों के हम देखते हैं कि 30-30, 40-40 पेड़ देसी बोर्डी के लगे हैं, लेकिन वो अगर कुछ प्रयास करें बडिंग ग्राफ्टिंग से अंग्रेजी बेर अगर लगाएं जैसे सेव गोला है तो उससे वो बहुत ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। बेर की उपयोगिता यहाँ रेगिस्तान में दूसरे पेड़ों से बहुत ज़्यादा है, तो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के अपने जो है इकोनॉमी सुधारनी चाहिए, अपने परिवार का स्तर स्टैंडर्ड जो है बच्चों की शिक्षा आदि पर ज़्यादा वो खर्चा कर सकता है, इसलिए इसी खेती पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय मरुस्थल के किसानों के लिए हर पल प्रयत्नशील है कि वे बेर का अधिक से अधिक उत्पादन कर
अपने जीवन स्तर में सुधार करें और अपने जीवन को प्रगतिशील बनाएं। लगाए जो हरी उगा तुम्हारी मेला।